जोन के द्वारा एक रन मिलेगा। अगर राइट साइड में गेंद आती है तो बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन जरूर लेंगे। अगर बाउंड्री झाड़ को लगकर कोई खिलाड़ी आउट होता है तो कैच, अगर आउट होता है तो कैच नॉट आउट दिया जाएगा। तो ऐसे कुछ नियम है जिसका आपको पालन जरूर करना होगा। पहले मैच के बारे में बात करें तो इस भाईंदरपाड़ा स्पोर्ट्स वर्सेस व्हाइट टाइगर्स के बीच में जरूर यहां पर किया जा रहा है। भाईंदरपाड़ा स्पोर्ट्स टॉस जीतकर यहां पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यहां पर व्हाइट टाइगर्स को बैटिंग करने के लिए। 4 ओवरों का मैच जरूर खेला जाएगा। चलिए मैच ऑन करना है। यस, झाड़ को लगकर अगर आउट हुआ तो नॉट आउट दिया जाएगा। यस सिक्स, यस झाड़ को लगकर अगर बॉल जाएगा बाहर तो 6 रन जरूर दिया जाएगा आपको। यस, तो सलामी बल्लेबाज व्हाइट टाइगर के लिए जरूर यहां पर आते हुए रक्षित एंड साहिल की जोड़ी जरूर यहां पर नजर आती हुई। और फील्डिंग के बारे में बात करें तो यस यस भाईंदरपाड़ा के 12वां खिलाड़ी, यस दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट होगा कि पहली गेंद गिरने से पहले ही दोनों ही टीम के 12वां खिलाड़ी जरूर कमेंट्री बॉक्स में जरूर आना है। तो उसी के साथ मैच की जरूर यहां पर शुरुआत की जा रही है। क्रिकेट में कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के जमाने में कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जवाब। तो उसी के साथ यस दूसरे 3 की पहले गेंद जरूर यहां पर शुरुआत की जा रही है। व्हाइट टाइगर्स वर्सेस भाईंदरपाड़ा। यस इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, सीधे पल्ले से खेलना चाहते थे, शुरुआत करना चाहते थे, बैट और गेंद का यहाँ पर कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो यस भाईंदरपाड़ा की गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज यानी कि पहले ओवर की पहली गेंदबाज लेकर आते हुए विशाल। पावर प्ले गेंदबाज चल रही है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए विशाल। इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, लो मैन स्लैंड में खेल जरूर शॉट खेला गया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर किया, उसका पूरा फायदा उठाएंगे। हम पर बताते हुए गेंद चाहती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पूरा फायदा उठाएंगे यहां पर सामने वाली टीम। इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बेटे, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट जरूर था। जब तक खिलाड़ी को गेंद कलेक्ट करेंगे, गेंद छाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक आता हुआ। हम लोग यहाँ पर बैटिंग बल्लेबाजी करते नजर आते हुए, पहले गेंद के बारे में बात करें तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुआ था। शुरुआत काफी यहाँ पर जबरदस्त की थी गेंदबाज विशाल ने। उसके बाद देखिए, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 यहाँ पर चौके। पहले चौके के बारे में बात करें तो यस डीप एक्स्ट्रा कवर में जरूर खेला गया था। उसके बाद में सीधे पल्ले से यहाँ पर बैक टू बैक 2 चौका आता हुआ। एक बार फिर इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। अपने आप से थोड़े नाराज जरूर नजर आएंगे, उनको पता है कि अगर ये शॉट जरूर खेलना चाहते थे कहीं और, बैट और गेंद का यहाँ पर कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए यहाँ पर गेंदबाज तैयार होते हुए विशाल। इस बार देखिए, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, क्रिकेटिंग शॉट खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, मिस टाइमिंग जरूर खेल बेटे। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे, 2 रन लेने में यहां पर जरूर कामयाब होंगे, 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 2 रन के मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 10 रनों पर। जिस पहले ओवर की अभी भी 1 गेंद बची है, स्कोर के बारे में बात करें तो प्रति गेंद पर अभी तक यहां पर 2 रनों के आगे से बढ़ रहे हैं। पावर प्ले का बंधन जरूर यहां पर चलता नजर आता हुआ। रक्षित के बल्ले से बैक टू बैक 2 चौके जरूर देखने मिले। एक बार फिर गेंदबाज, इस बार देखिए कुछ नया शॉट जरूर खेलना चाहते थे, मिसफील्ड जरूर यहां पर देखने मिला। जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे, यस गेंद चाहती हुई हम पर बताते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार।
स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रनों पर और काफी जबरदस्त यहाँ पर बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पर रक्षित ने दिखाया। बैक टू बैक उनके यस उनके बल्ले से 3 चौके जरूर देखने मिले। पहले चौके के बारे में बात करें तो यस डीप एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट था, दूसरे चौके जो आई डीप लॉन्ग ऑन के यहाँ पर जरूर खेला गया। उसके बाद में देखिए बैकवर्ड दिशा पर क्या जबरदस्त यहाँ पर चौका। अगर भाईंदरपाड़ा की टीम के बारे में बात करें तो यस मिस फील्ड जरूर किया, मिस फील्ड के मदद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रन जरूर खर्च किए हैं। उसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति के स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन। अब यहाँ से पावर प्ले का बंधन जो है जरूर यहाँ पर खुलता नजर आएगा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो यस दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए लवकेश इस 4 ओवर का मैच जरूर खेला जा रहा है। पावर प्ले का बंदर जो है वो यहाँ से जरूर खुलता नजर आता हुआ 38 के सर्कल से यस जरूर गेंदबाजी कर रहे हैं नए गेंदबाज लवकेश। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस गति परिवर्तन करना चाहते थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जरूर कॉल जरूर दे रहे हैं केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रन। एक एक रन से जरूर आगे बढ़ते हुए साहिल यहाँ पर जूझबूझ जरूर दिखाते हुए, उनको पता है कि रक्षित के बल्ले से 3 चौके आ चुके हैं। पहली ओवर की उन्होंने ये 4 गेंद जरूर यहाँ पर सामना की थी, 4 गेंदों पर उन्होंने 3 चौके लगाने में यहाँ पर कामयाब होते और उसी दिशा से जरूर खेलना होगा। टीम के स्कोर के बारे में बात करें तो 15 रन हो चुके हैं। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज लवकेश तैयार होते हुए सामना करेंगे रक्षित। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, खिलाड़ी सामने मौजूद जरूर, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे केवल 1 रन लेंगे, रन से ज्यादा कुछ नहीं। दीपेश ने इस बार काफी जबरदस्त फील्डिंग की लेकिन भाईंदरपाड़ा की फील्डिंग के बारे में बात करें तो यस अच्छी फील्डिंग जरूर करनी होगी। फील्डिंग कहते हैं ना गेंदबाजी में 1-1 रन टीम के लिए बचाना काफी जरूरी होता है और फील्डिंग करने से क्या होता है टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है, गेंदबाजी का आत्मविश्वास बढ़ता है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए लवकेश। साहिल इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, यस बैनर को लगती हुई स्पॉन्सर क्यों यहाँ पर गेंदबाज जरूर लगती हुई, यस हम पर बताते हुए केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड के बारे में बात करें तो स्कोर जाकर पहुंचा है 17 रनों पर। 4 ओवरों का मैच खेला जा रहा है गावदवी स्पोर्ट्स आयोजित थ्रस्टी कप 2024, काफी जबरदस्त यहाँ पर आयोजन और नियोजन जरूर देखने मिलता हुआ। और देखिए यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर अमित गोस्वामी स्टैंड जरूर एक साइड देखने मिलेगा, दूसरे साइड बाद में बात करें तो यस दीपक पाटी स्टैंड जरूर यहाँ पर देखने मिलेगा और एक टॉप स्पोर्ट्स भी यहाँ पर काफी जबरदस्त यहाँ पर आयोजन नियोजन के बारे में बात करें तो कुछ नया, यस हम्पायर बताते हुए केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन। दूसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, डीप एक्स्ट्रा कवर पे खेलना चाहते थे जरूर खिलाड़ी रक्षित, लेकिन यहाँ पर कमबैक करते नजर आते हुए गेंदबाज। एक बार फिर दूसरे ओवर की आखिरी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए लवकेश। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद दीपेश मौजूद थे, इस बार दीपेश कोई गलती करने वाले नहीं है, एक आसान सा कैच, एक और झटका लगता हुआ यहां पर विकेट की पारी समाप्त होती हुई।
दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन, यानी कि 12 गेंदों पर अभी तक उन्होंने बनाए हैं 9 रन। यस, दो ओवर के समाप्ति के बाद 18 रन दिखाते हुए, यानी कि प्रति ओवर के अवसर के बारे में बात करें तो यस रन रेट 9 के अवसर से जरूर यहाँ पर व्हाइट टाइगर्स आगे बढ़ती हुई। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो नए गेंदबाज आते हुए चेतन, एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए चेतन सामना करेंगे साहिल। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल, देखना होगा सक्सेसफुल होता है क्या। खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन गेंद जाएगी इस बार बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। यहाँ पर प्रहार करते नजर आते हुए गेंदबाज चेतन के ऊपर साहिल, साहिल देखे अभी तक शांत थे लेकिन जैसे ही पहली गेंद पर छक्के लगाए क्या जबरदस्त डीप एक्स्ट्रा कवर पे खेला गया शॉट था, काफी बढ़िया शॉट। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए चेतन सामना करेंगे साहिल। इस बार देखिए बाहर निकल कर खेलना गया शॉट जरूर थे, यस गेंद जाएगी, यस अमित गोसावी स्टैंड में जरूर गेंद जाती हुई। हम पार बता दो केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस 1 रन से संतोष जरूर होना होगा। 1 रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन। और काफी जबरदस्त यहाँ पर जरूर बैटिंग परफॉर्मेंस जरूर देखने मिलता हुआ, और तारीफ करनी होगी यहाँ पर साहिल की, देखिए रक्षित अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और रक्षित के आउट होने के बाद यहाँ पर अफलातून बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए गियर बदलते हुए। इस बार देखिए गेंद के नीचे खिलाड़ी जरूर मौजूद, जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे, यस रनिंग बिटवीन द विकेट काफी जबरदस्त यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन के रूप में देखते मिलती, 1 रन को 2 रन में चुराने में यहाँ पर कामयाब होते हुए। इस 2 रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो यस स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन, 27 रन हो चुके हैं। इस बार देखिए कुछ नया करना चाहते थे, प्रहार जरूर करना चाहते थे, यस हम पर बताते हुए अतिरिक्त 1 रन जरूर मिलेगा। यस वाइड प्लस 1 गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, यानी कि इस गेंद पर 2 रन अतिरिक्त बोनस के रूप में जरूर मिलेगा। इस 2 रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 29 रन। चलिए इसके बाद जो मैच होगा रणजी स्पोर्ट्स वर्सेस ओला स्पोर्ट्स, प्लीज आपको रेडी रहना है, दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट होगा, अगर दोनों ही टीम के कोई भी खिलाड़ी आए होंगे तो आपको आना है रणजी स्पोर्ट्स वर्सेस ओला स्पोर्ट्स, प्लीज बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट मैच। यस पहली इनिंग के बाद टॉस जरूर किया जाएगा तो दोनों ही टीम को रेडी रहना। इस बार देखिए कुछ नया जरूर करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बेटे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर, एक आसान सा कैच पकड़ेंगे, यस एक और विकेट की यहां पर समाप्त होती हुई। जरूर खेलना चाहते थे लेकिन उनको पता है जो जिम्मेदारी उनको दी थी वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाकर पवेलियन में जरूर जाते हुए। उनके बारे में बात करें तो यस साहिल ने भी 11 रन जरूर बनाए और दोनों ही खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। देखिए रक्षित ने जरूर 16 रन बनाए थे, साहिल की पारी जो समाप्त हुई 11 रन पर, यानी कि दो जिम्मेदारी जो सलामी बल्लेबाजी को दी थी वो जिम्मेदारी जरूर यहाँ पर निभाते हुए साहिल की यस पारी जरूर संभालते हुए नए खिलाड़ी आते हुए ऋषिकेश। तीसरी ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो तीसरे ओवर की है चेतन की, अभी भी 2 गेंदें बची हैं। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर डालना चाहते थे, बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क होता नजर नहीं आता हुआ, यस अंपायर जरूर बताते हुए 22 के रूप से, यानी कि एक मदद जरूर 22 के रूप से एक अतिरिक्त 1 रन जरूर मिलेगा इस 1 रन के मदद से। यस स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 30-30, यस 3 रन हो चुके हैं, 30 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, यस 1 रन जरूर, आखिरी गेंद जरूर बची है।
तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार होते हुए चेतन। अब यहाँ से देखिए दोनों ही नए पल्ले बैटिंग जरूर, नए खिलाड़ी जरूर मौजूद हैं। इस बार देखिए तेज तरार गेंद जरूर थे, नो मैच लैंड में खेला गया, शॉट जरूर था, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद जरूर, काफी जबरदस्त फील्डिंग जरूर देखने मिली है दीपेश को द्वारा। जब तक दीपेश गेंद को कलेक्ट करेंगे, इस बार देखिए मिसफील्ड जरूर हुआ, उसका पूरा फायदा उठाएंगे, कॉल जरूर यहाँ पर कर रहे हैं। इस बार देखिए अंपायर ने नकारा रन को, देखना होगा अब यहाँ पर कितना रन लेने में यहाँ पर कामयाब हुए। यस तीन रन लेने में यहाँ पर जरूर कामयाब होते हुए, और फील्डिंग अच्छी की थी लेकिन देखिए थ्रो थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता हुआ। इस तीन रन की मदद से यस तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन 33 रन हो चुके हैं। इसी के साथ तीन ओवर हो चुके हैं, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 33 रन 33 रन हो चुके हैं। रन रेट के बारे में बात करें तो यस हमारे स्कोरर करुणेश बताते हुए 11.00 के अवसर से, यानी कि 11 अवसर से आगे बढ़ते नजर आते हुए व्हाइट टाइगर्स ढोकाली की टीम। भाईंदरपाड़ा की टीम के बारे में बात करें तो टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, वो निर्णय यहाँ से थोड़ा सा जरूर महंगा साबित होता हुआ। भाईंदरपाड़ा की टीम के बारे में बात करें तो ये टीम ने मिसफील्ड काफ़ी किए, दो चौके मिले हैं पहले ओवर में, वो दोनों चौके मिसफील्ड के द्वारा मिले हैं। अभी देखें यहाँ पर एक रन जहाँ पर चुराना था वहाँ पर 2 रन जरूर मिसफील्ड के द्वारा मिले, तो थोड़ा सा मिसफील्ड जरूर यहाँ पर देखने नजर आती हुई भाईंदरपाड़ा की टीम। यहाँ से लेकिन कमबैक करना पड़ेगा, चौथे ओवर की आखिरी गेंद जरूर आती हुई, यानी कि चौथे ओवर की आखिरी ओवर लेकर नए गेंदबाज जरूर नजर आते हुए किरण। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज आते नजर आते हुए किरण। स्कोर के बारे में बात करें तो यस 33 रन हो चुके हैं, 33 रन हो चुके हैं व्हाइट टाइगर्स 11 के अवसर से आगे बढ़ते हुए। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, पावरफुल एंड सक्सेसफुल, के जाएगी वंडर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए फरार। जबरदस्त यहाँ पर देखिए तीर की तरह जिस तरीके से गेंदबाजी ने गेंदबाज फेंका ना, और उसी तरीके ऐसा लग रहा था ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मशीन में गेंद डाली थी और इन्होंने मारे छक्का, और क्या जबरदस्त शॉट, और यही शॉट की जरूरत है यहाँ पर व्हाइट टाइगर्स ढोकाली को। और काफी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे, और इनके बैट्समैन की तारीफ करनी होगी। देखिए रक्षित ने शुरुआत की, रक्षित पहले जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, रक्षित आउट होने के बाद यहाँ पर साहिल ने गेर बदली, और साहिल की विकेट जैसी गई उसके बाद में देखिए यस अनिकेत जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए आते आते यहाँ पर प्रेशर जरूर बढ़ाते नजर आते हुए गेंदबाज किरण के ऊपर। इस बार देखिए फुल टॉस की गेंद थी, मिस टाइमिंग खेल बैठे जरूर, प्रयास काफी लाजवाब और सक्सेसफुल एंड पावरफुल, एक और विकेट के यहाँ पर झटका होता हुआ। और काफी जबरदस्त यहाँ पर तारीफ करनी होगी अनिकेत की, और उनको पता है कि ये शॉट सिलेक्शन गलत नहीं था, बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा शॉट जरूर लेने में कामयाब, एक्स्ट्रा कवर पर जरूर खेलना गया शॉट था, लेकिन एक विकेट का पतंग जरूर होते नजर आता हुआ यहाँ पर अनिकेत की पारी जरूर यहाँ पर समाप्त होती हुई। चौथे ओवर की गेंदबाजी के बारे में बात करें तो ये 2 गेंदें हो चुकी है, पहला गेंद पर एक बड़ा छक्का जरूर देखने मिला था। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज यस किरण तैयार होते नजर आते हुए, नए बैट्समैन जरूर आते हुए पवन। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बैठ, बैट और गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, विकेट कीपर थोड़ा सा गलती जरूर करेंगे और वो गलती का पूरा फायदा उठाएंगे यहां पर दोनों ही बैट्समैन।
यस एक रन लेने में कामयाब होंगे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो यस स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन हो चुके हैं। उसी के साथ हमारे मान्यवर मिस्टर यस दीपक पाटिल सर हमारे साथ छुड़ते हुए गावदेवी स्पोर्ट्स आयोजित 30 कप, यस आपको उसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत एंड स्वागत। यस मिस्टर अमित गोसावी सर हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं, दीपक पाटिल सर जरूर यहाँ पर जुड़ते हुए, और काफ़ी ज़बरदस्त देखिए आयोजन और नियोजन जरूर देखने मिलता नजर आता हुआ। उसी के साथ यह स्पाइस की मदद से अंपायर बताते हुए एक रन आएगा, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो इस स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 41 रन। चौथे ओवर की यस दो गेंदें बची हैं, इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, यस खिलाड़ी वहां पर मौजूद, खिलाड़ी कोई गलती करने वाले नहीं है, और एक और पारी की समाप्त होती हुई, बड़ा छटका लगता हुआ यहां पर पवन के रूप में। यस और एक बड़ा झटका जरूर लगता हुआ चौथे ओवर के बारे में बात करें तो यस चेतन की आखिरी गेंद जरूर बची है, यस किरण जरूर वहां पर नजर आते हुए। इस बार देखिए बैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था, केवल एक रन लेंगे, दूसरे रन का कॉल जरूर दे रहे हैं। यस विकेट जरूर सेक्रीफाइस किया हम पर बताते हुए यहां पर रनआउट के रूप में। उसी के साथ यस चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 42 रन, यानी कि यहां से जो लक्ष्य दिया गया है 43 रनों का लक्ष्य जरूर दिया गया है। रणजी स्पोर्ट्स वडवली एंड ओला स्पोर्ट्स प्लीज आपको रेडी रहना है। वडवली वर्सेस ओला स्पोर्ट्स ओला, यस प्लीज आपको रेडी रहना है, दोनों ही टीम अगर आई होगी तो प्लीज आपको आना है। यस रणजी स्पोर्ट्स प्लीज आपको रेडी रहना है, रणजी स्पोर्ट्स एंड ओला टॉस के लिए आपको आना है।
यस, पहले इनिंग की समाप्ति जरूर हो चुकी है। पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बात करें तो यस, स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 42 रन जरूर हो चुके हैं। 43 रनों का लक्ष्य जरूर यहां पर रखा गया है। और दर्शक के जानकारी के लिए बताएं तो यस, दूसरे दिन का यस पहला ही टूर्नामेंट यहाँ पर जरूर खेला जा रहा है, व्हाइट टाइगर्स वर्सेस भाईंदरपाड़ा स्पोर्ट्स के बीच में जरूर खेला जा रहा है। यस, बॉल देना है अंपायर को। चलिए, रणजी स्पोर्ट्स एंड ओला स्पोर्ट्स, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोनों ही टाइम आई होगी तो आपको टॉस के लिए आना है। यस, तो दूसरी इनिंग की शुरुआत जरूर यहां पर की जा रही है। इस बार देखिए, सीधे बल्ले से आते आते प्रहार, पावरफुल एंड सक्सेसफुल, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। इस बार देखिए, आते आते यहाँ पर प्रहार करते नजर आते हुए सुशांत, सुशांत देखिए क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, अपना खाता खोलते हुए, टीम का खाता खोलते हुए यहाँ पर 6 रनों से। इस बार देखिए, अंचा वही, प्रहार वही, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। और बैक टू बैक यहां पर सुशांत के बल्ले से आता हुआ बैक टू बैक दूसरा सिक्सर, और क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे। देखिए, स्कोर के बारे में बात करें तो यस, 43 रनों का लक्ष्य है, दो गेंदों पर दो छक्के लगाने में कामयाब होते हुए। इस बार देखिए, फुल टॉस की गेंद जरूर थी। यस, केवल एक रन लेंगे, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस प्लीज, रणजी स्पोर्ट्स एंड ओला स्पोर्ट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, फाइनल एंड अंतिम कॉल है, टॉस के लिए आपको आना है। ओला स्पोर्ट्स, ओला एंड रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, टॉस के लिए आपको आना है। इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, नो मैन स्लैंड में गेंद जाती हुई। यस, हम पार बता दो, गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, केवल एक रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर के बारे में बात करें तो स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन, और क्या जबरदस्त शुरुआत यहां पर दी है सुशांत ने। 4 ओवर में देखिए, जीत का लक्ष्य 43 रनों का था, 10.75 के अवसर से आगे बढ़ने थे, लेकिन पहले ही गेंद पर देखिए उन्होंने प्रहार किया, बैक टू बैक दो गेंदों पर दो छक्के आए। इस बार देखिए, प्रहार करना चाहते थे, नो मैन लैंड में कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, गेंद छाती हुई। यस, हम पर बताते हुए केवल एक रन आएगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से एक स्कोर बोर्ड पे स्कोर जाता हुआ 15 रन। चलिए, रणजी स्पोर्ट्स वडवली एंड ओला स्पोर्ट्स, प्लीज दोनों ही टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, आपको आना है।
इस बार देखिए कुछ नया करना चाहते थे गेंदबाज पंकज चेस अंपायर बताते हुए अतिरिक्त एक रन व्हाइट की मदद से जरूर मिलेगा। इस व्हाइट की मदद से स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। इस बार देखिए पावरफुल शॉट जरूर जनरेट किया नोम एंड स्लेंट में जब तक खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट काफी लाजवाब यहां पर साहिल के द्वारा। यस अपनी टीम के लिए जरूर दो रन बचाते हुए इस दो रन की मदद से स्कोर बोर्ड पे स्कोर जरूर दर्शाता हुआ 18 रन। पहले ओवर के बारे में बात करें तो यस यस पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चलिए प्लीज ओला स्पोर्ट्स ओला एंड रणजी स्पोर्ट्स कासरवाड़ोली आपसे रिक्वेस्ट है आपको आना है टॉस के लिए। यस दोनों ही टीम जरूर हमारे साथ नजर आते हुए जुड़ते हुए टॉस के लिए। यस मिस्टर दीपक पाटिल सर के शुभ हाथों से यस दूसरे मैच की शुरुआत जरूर की जाएगी। टॉस की भूमिका जरूर यहां पर निभाई जाएगी और टॉस की भूमिका देखिए क्या जबरदस्त वहां पर टॉस बॉक्स जरूर देखने मिलेगा और यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी इस मैच का आप आनंद जरूर ले सकते हैं। यस यस चार ओवरों का मैच जरूर खेला जाएगा मिस्टर दीपक पाटिल सर यस जरूर नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। और देखिए रणजी स्पोर्ट्स यस रणजी स्पोर्ट्स कासर वड़वली वर्सेस ओला स्पोर्ट्स के बीच में टॉस जरूर यहां पर किया जा रहा है मिस्टर दीपक पाटिल सर के शुभ हाथों से। चार ओवर का मैच जरूर होगा यस। स्कोर के बारे में बात करें तो यहां से जीत के लिए 18 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत यानी कि रिक्वायर रन रेट 8.33 के अवसर से 8.33 के अवसर से जरूर आगे बढ़ना होगा और उसी के साथ टॉस बॉक्स पे जरूर हमारे साथ मिस्टर दीपक पाटिल सर जुड़े हुए थे। अगला जो मैच खेला जाएगा यस ओला स्पोर्ट्स वर्सेस रणजी स्पोर्ट्स कासर वड़वली के बीच में जरूर खेला जाएगा। और नए गेंदबाज जरूर नजर आते हुए यहां पर सियोग एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए सियोग। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस करना चाहते थे पावरफुल एंड जनरेट किया गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए फरार। जबरदस्त शॉट यहाँ पर और गाना भी क्या जबरदस्त पूरी एरा केलास सुशांत तुझे शॉट ने पूरी ला एरा केलास और शॉट क्या जबरदस्त था उनके बल्ले से आबितला बैक टू बैक 3 छक्के जरूर देखने मिले और शॉट देखकर जरूर यहाँ पर उनकी टीम जरूर एरा हो चुकी होगी पागल जरूर हो चुकी होगी। और क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए सियोग। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस पावरफुल एंड सक्सेसफुल गेंद जाती हुई बैक टू बैक सुशांत के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। तारीफ करनी होगी हमारे स्कोरर करुणेश यस बताते हुए 5 गेंदों का सामना किया इन्होंने और 5 गेंदों पर उनके बल्ले से 6 रन आए। ये लगता है कुछ खाकर आए नाश्ते में कुछ अच्छा ही खाया होगा उन्होंने। और कहते हैं ना ऐसे समय में जब खिलाड़ी छक्कों से बात करता है ना। इस बार देखिए बैक टू बैक एक और छक्का आता हुआ इस बार गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर 6 रनों के लिए फरार।
यस, 3 गेंदों पर 3 सिक्सर अभी तक लगा चुके हैं, 6 गेंदों का सामना किया, 5 सिक्सर लगाने में कामयाब। इस बार देखिए ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, इस बार तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, अच्छा कमबैक करते नजर आते हुए। स्कोर के बारे में बात करें तो यह स्कोरबोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन अभी तक सुशांत ने पूरी तरीके से यहाँ पर स्कोरर, यस हमारे करुणेश को पूरी तरीके से बिजी रखा है। इस बार देखिए प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बैठे, पैटर गेंद का इतना अच्छा संपर्क नहीं, पवन यस वहां पर मौजूद थे, एक बड़ा छटका लगता हुआ, एक आसान सा कैच, एक बड़ी पारी यहां पर सुशांत की समाप्त होती हुई। और तारीफ करने की यहां पर सुशांत की, यस 31 रन बनाए 8 गेंदों पर, 6 गेंदों पर बैक टू बैक उन्होंने 5 छक्के लगे, ये छक्के से बात कर रहे थे, यस 6 से बात कर रहे थे, और काफी जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। स्कोर के बारे में बात करें तो यस 37 रन हो चुके हैं। इस बार देखिए यस हम पर बता तो एक और बड़ा छटका जरूर लगता हुआ, एक और पारी यहां पर समाप्त होती हुई। और स्कोर के बारे में बात करें तो ये स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन, अब यहां से जीत के लिए केवल 6 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज के बारे में बात करें तो नए गेंदबाज आते हुए जॉय, अब यहां से मैच का सिचुएशन देखिए, 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे ये जरूर नजर आते हुए चेतन, इस बार देखिए पहले ही गेंद पर प्रहार करना चाहते थे, मिस टाइमिंग खेल बैठे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कॉल जरूर किया, यस आखिरी समय पर कैच जरूर छोड़ा, लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर खिलाड़ी की, अच्छा काफी जबरदस्त फील्डिंग जरूर नजर करते नजर आते हुए। यस 3 रन लेने में कामयाब होते हुए यहां से जीत का फासला देखिए काफी नजदीक आता हुआ, यहां से जीत के लिए केवल 3 रनों की जरूरत है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली वर्सेस ओला स्पोर्ट्स, प्लीज बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट मैच, आपको रेडी रहना है। इस बार देखिए प्रहार किया, यस गेंद चाहते हुए डिक्लेयर जोन के नजर पर, यस केवल 1 रन मिलेगा, यस पर्दे को रखकर बाहर जरूर आइए, रनिंग वहां पर जरूर ऑन रखना है, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होंगे, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्शाता हुआ 43 रनों पर यहां से जीत के लिए, यस केवल 2 रनों की जरूरत। इस बार देखिए सम्मान भरा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट करने की चाह कर रहे थे, यस डायरेक्ट हिट एंड सक्सेसफुल, एक और छटका यहां पर लगता हुआ रनआउट के रूप में। सुशांत को जिन्होंने 8 गेंदों पर 31 रन बनाए, क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हुए। इस बार देखिए चेंज ऑफ पेस, प्रहार पावरफुल देखना होगा, ये सक्सेसफुल जरूर यहां पर होता हुआ, तो प्रयास काफी जबरदस्त की थी, और इसी के साथ इस मैच को पूरी तरीके से जीतते नजर आते हुए यहां पर भाईंदर स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन भाईंदर स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक व्हाइट टाइगर्स, प्लीज बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट मैच, कासर वडवली एंड ओला स्पोर्ट्स।
चलिए नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहना है, रणजी स्पोर्ट्स कासर वडवली वर्सेस ओला स्पोर्ट्स, प्लीज बी रेडी फॉर योर मैच। और इस मैच का नतीजा देखिए कुछ इस तरीके से आया, पहली मैच की ये समाप्ति हो चुकी है। पहला मैच व्हाइट टाइगर्स वर्सेस भाईंदरपाड़ा के बीच में जरूर खेला गया था। भाईंदरपाड़ा टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और 43 रनों का लक्ष्य जरूर दिया था। ये पिच पे प्लीज प्रैक्टिस नहीं करना है, 2 रन का पेनल्टी दिया जाएगा। और पेनल्टी के बारे में बात करें तो यस, अगर पिच पे प्रैक्टिस करोगे तो कल झुंझा स्पोर्ट्स कोलचेत को 2 रनों का पेनल्टी जरूर दिया था, तो ये कुछ नियम है जिसका आपको पालन करना है। प्लीज प्लेयर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको पिच पर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। यस मैन ऑफ द मैच, यस मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली, जिन्होंने 8 गेंदों पर 31 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच की परंपरा जरूर यहां पर निभाई जाएगी। यस वन एंड ओनली सुशांत, एक बार जोरदार ताली हो जाए सुशांत के लिए, क्या जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, 8 गेंदों पर 6 छक्के लगाने में कामयाब होते हुए। यस मैन ऑफ द मैच के पूरी तरीके से हकदार जरूर है। यस मिस्टर अमित गोसावी सर, आपसे रिक्वेस्ट होगा, आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जरूर यहां पर देना है सुशांत को।